हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी मलाई वाले मालपुआ लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में भी आसान है। आप देख सकते हैं इसकी कलर कितनी बढ़िया और ये फुली फुली बनी है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने एक बॉयल में आधा कप मलाई ली है, इसे मैं अच्छी तरह से फेट लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अच्छी तरह से चला लूँगी, ये देखिए ये पूरे फ्लफी हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप मैदा ऐड करूँगी। हाफ कप सूजी ऐड करूँगी। हाफ से थोड़ा ऊपर मैं चीनी ले रही हूँ, जो 200 ग्राम जिसकी वजन है, और मैदा की वजन 250 ग्राम के आसपास। अब मैं इसे हल्की हाथों से मिलाऊंगी। 3 इलायची मैंने कूट कर इसमें डाल दिए हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट्स जिसमें किशमिश, काजू, नारियल के कूटे हुए और फिनेल डाल रही हूँ सौंफ। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स मालपुआ में। और 1.5 कप में मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ी पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इस घोल को, बैटर को मिला लिया है मैंने, ये देखिए ये घोल बिल्कुल इस तरह से तैयार होने चाहिए, थिक थिक एकदम, ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैं इसे ढक कर 30 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि थोड़े सूजी फूल जाए। अब मैं कढ़ाई चढ़ा कर तेल गर्म कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल लिया है, जिसकी अपनी कोई फ्लेवर नहीं है। इसमें सभी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और इसकी कोई फ्लेवर भी नहीं आती है, रेसिपी अपने फ्लेवर ले आते हैं इसमें। मैंने एक कलछी ली है, उसी के नाप से मैं मालपुआ को इसमें डालूंगी ताकि सारे मालपुआ एक समान हो, देखिए फ्रेंड्स। तेल हल्के गर्म में डालना है, ज़्यादा गर्म तेल में इसे नहीं डालना है। देखिए कितनी फूली फूली बनी है ये मालपुआ, ये देखिए फ्रेंड्स। इसकी कलर बहुत ही प्यारी आई है और क्रंचीनेस से भरी हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं सारे मलपुआ को तल लूँगी एक एक करके मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी है, नहीं तो जल जाएगी। ये देखिए कितनी फूली फूली निकल रही है ना बढ़िया, ये देखिए। पूरे क्रिस्पी से भरे हुई है और कलर भी बहुत अच्छी आई है फ्रेंड्स। अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं भी हैं तो आप सिर्फ सौंफ और इलायची देकर एक अच्छे से मालपुआ बना सकते हैं। सौंफ देने से मालपुआ की जो फ्लेवर उभर कर आती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं। तो चलिए मैं सारे मालपुआ तल लेती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे मैं तल लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है, क्रिस्पी और क्रंचीनेस से भरी हुई और सॉफ्ट सॉफ्ट फुली फुली अंदर से पूरे पके हुए, कोई कच्चापन नहीं है इसमें और ये आराम से टूट रही है। इसे आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, क्रिस्पी फ्लफी भी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को बड़े को सभी को ये रेसिपी पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।